हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 में ये सैमसंग S21 FE 5G फ़ोन बाई करना वर्थ रहेगा या नहीं होगा। बने रहेगा वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो टेक टॉप स्टार। नो टाइम वेस्ट, नो फेक, ओनली टेक। तो मेरे पास ये सैमसंग S21 FE 5G फ़ोन पहले से है, बिकॉज मैं इसे 2-3 महीने पहले बाय किया था। वैसे मैं बिग विलियंस डे में तो बाय नहीं कर पाया, बट उसके बाद तो जो एक्सपीरियंस रहा मेरा ये 2-3 महीने का इस फ़ोन के साथ, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस प्राइस में जो अभी डिस्काउंट होता है, तो इस प्राइस में आपके लिए ये फ़ोन 2023 में बाय करना बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, सारा ओपिनियन देने वाला हूँ। इसके कवर निकाल देता हूँ, देख रहे हो बैकग्राउंड भी मेरा ग्रीन है और कवर भी ग्रीन है, तो इसको अभी निकाल देते हैं। अभी फ़ोन को दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा फ़ोन का कलर, देख सकते हो, जो कि ओलाइव कलर है, इसलिए देख सकते हो फ़ोन का लुक। वैसे लुक की बात की जाए दोस्तों, तो लुक मुझे काफ़ी बेस्ट लगा इस फ़ोन का, जो कि देख सकते हो पूरा मैट कलर में है और काफ़ी स्लिम भी है फ़ोन। बहुत बेस्ट लगता है जब हाथ में आप इसे लोगे, तो इन हैंड फील भी बहुत काफ़ी अच्छा बेस्ट होने वाले हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे 3 कैमरे सेटअप के साथ आते हैं और यहाँ पे साइड में फ्लैश है और बाकी सामने का लुक देख सकते हो। काफ़ी साइड के लुक की बात की जाए तो साइड में मेटल का लुक दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन हैंड फील में और भी बेस्ट लगता है। जब इसे हैंड में लोगे तो काफ़ी प्रीमियम फील होगा, और ऐसा भी नहीं है कि हाथ से आपके निकल जाएगी। फ़ोन काफ़ी बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो मीडियम साइज़ में ये फ़ोन है, काफ़ी बेस्ट है। फ़ोन को यूज़ किया तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करने को मिला है, बट प्रॉब्लम के साथ साथ मुझे अच्छा भी लगा है बहुत सारे बातें इसमें, जिसकी वजह से मैं इस फ़ोन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो सब बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मुझे। तो दोस्तों, जब मैं ये फ़ोन बाय किया था तो स्टार्टिंग में इसका जो बैटरी ड्रेन इशू था, काफ़ी ज़्यादा हद तक काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता था, जिसको लेकर के मुझे लग रहा था कि हाँ, इतना प्राइस अगर मैं इस फ़ोन में इन्वेस्ट किया हूँ तो ये फ़ोन उतना अच्छा नहीं है। बट धीरे धीरे जब वो इसका अपडेट आया एंड्रॉयड 13 वाला, तो उसके बाद बैटरी का जो ड्रेन इशू है वो काफ़ी हद तक ठीक कर दिया गया है। और एक इसमें एक और प्रॉब्लम था जो नेटवर्क इशू था। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो इस फ़ोन में, कोई भी वर्क कर रहे हो नेट चला करके, तो होता क्या था, तो बीच में ये नेटवर्क छोड़ देता था, सडनली पूरा गायब हो जाता था, जिसकी वजह से आपका जो नेट वाला कोई भी कंटेंट देख रहे हो वो रुक जाता था। तो ये प्रॉब्लम था इस फ़ोन में, ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करने को मिला। बट जब इसका ये अपडेट आया एंड्रॉयड 13 का, उसके बाद से ये सारा प्रॉब्लम फिक्स कर दिया गया है और काफ़ी हद तक फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है और सुधार हो गया, तो जिसके वजह से काफ़ी बेस्ट लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात कर लेते हैं अब कुछ इसके हीटिंग इशू के बारे में, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में वीडियोज़ भी देखे होंगे यूट्यूब पर, सारे लोग बोलते हैं कि हीटिंग इशू है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये किस टाइम हीटिंग इशू देता है। अगर आप जैसे बैटल ग्राउंड गेमिंग कर रहे हो, आधे घंटे से प्लस अगर आप गेमिंग कर रहे हो, तो उस टाइम ये हीटिंग इशू देगा, बिकॉज ये गेमर के लिए नहीं है। तो गेमिंग के टाइम में भी ये हीटिंग इशू देगा। उन मैंने है और रजाई ओढ़ करके काफ़ी देर से वीडियोस देख रहे हो इंटरनेट कनेक्ट करके, तो उस टाइम ये हीटिंग इशू देगा, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उस टाइम हीटिंग इशू देगा। बाहर में कहीं घूम रहे हो और वहाँ पर धूप का है मौसम, और धूप में भी आप फ़ोन को ज़्यादा देर यूज़ करने लगोगे, तो वहाँ पर भी ये हीटिंग होगा। तो ऐसा कुछ होता है हीटिंग इशू, ऐसा नहीं है कि कभी भी ये फ़ोन ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हीटिंग इशू को लेकर के भी डरने की बात नहीं है, अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा हद तक ये फिक्स हो गया है, तो उतना भी हीटिंग इशू नहीं देता है। फ़िलहाल मुझे यही तीनों प्रॉब्लम इस फ़ोन के साथ फेस करना पड़ा है। बाकी दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये फ़ोन आपको देगा क्या अगर बाय कर रहे हो तो? वैसे तो कोई भी कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाला है, बट ये फ़ोन एक चीज़ आपको देखा जो देगा, जो काफ़ी बेस्ट हो सकता है, पता है क्या? वह है दोस्तों 4 साल का अपडेट, जो कि दूसरे कोई भी ब्रांड आपको 4 साल के अपडेट नहीं देंगे, और ये 5 साल का सिक्योरिटी भी आपको देगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार आप पैसे इन्वेस्ट कर दिए हो ये सैमसंग S21 FE 5G फ़ोन में,
तो बार बार आपको फ़ोन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 साल तक आप नए फ़ोन की तरह इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज जितना बार इसका जो अपडेट आएगा, एंड्रॉयड 13 हो चुका है वैसे, एंड्रॉयड 13 से अगर 14 होगा तो उस टाइम भी अगर एंड्रॉयड 14 का कोई भी फ़ोन लॉन्च किया होगा दूसरे ब्रांड के, तो उस टाइम भी ये आपका एक्सपीरियंस ये फ़ोन दे सकता है एंड्रॉयड 14 वाला। तो 4 साल तक न्यू फ़ोन बन के रह सकता है आपके साथ। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कैमरे को लेकर के, बिकॉज दोस्तों हम सारे लोग जो फ़ोन को बाय करते हैं तो कैमरे के लिए ही स्पेशलिस्ट बाय करते हैं इस फ़ोन को। तो ये कैमरे के मामले में अगर इतना भी अच्छा है तो क्या अच्छा है, इसका मैं क्लियरली आपको आंसर देता हूँ। जो पैसे अगर किसी फ़ोन में लगाते हैं तो उसमें सबसे मेन रीज़न रहता है कि फ़ोन के कैमरे, और ख़ास करके अगर सैमसंग के फ़ोन बाय कर रहे हो तो उसमें भी मेन रीज़न रहता है जो कैमरे होते हैं फ़ोन के वो। तो इस फ़ोन को वैसे तो सारे लोग कैमरे को लेकर के ही परचेज करते हैं कि बढ़िया फ़ोन है, बढ़िया प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है और बढ़िया कैमरा भी मिल जाएंगे। तो ये सच्ची बात है, बढ़िया कैमरा मिल जाएंगे। तो दोस्तों जिस प्राइस में अभी ये फ़ोन मिल रहा है, इस प्राइस में नथिंग का फ़ोन भी आता है और काफ़ी सारे ब्रांड के भी फ़ोन आते हैं, बट कैमरे के मामले में कोई भी फ़ोन बीट नहीं कर पाएगा इस फ़ोन को, बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो पोर्ट्रेट शॉट है, पोर्ट्रेट में जो आप फ़ोटो खींचते हो, इसमें ये आईफोन 13 को भी बीट कर जाता है, बिकॉज दोस्तों इतना क्लियरली फ़ोटोज आता है इसके कि क्या ही बताऊं। हाँ बट वीडियोज़ के मामले में हो सकता है कि जो आईफोन 13 है वो थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है या फिर थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता है, बट कैमरे के मामले में पूरा फ्री करके मैं बता रहा हूँ कि इस प्राइस सेगमेंट में सारे फ़ोन का बाप है ये फ़ोन। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जो कि 2023 में अगर न्यू फ़ोन आप बाई कर रहे हो तो हो सकता है उसमें कि न्यू फीचर्स ऐड किया हुआ हो। बट दोस्तों ये 2023 में एंड्रॉयड 13 हो गया, अगर आप न्यू फ़ोन भी बाय करोगे तो ज़्यादा पैसे लगा रहे हो तो हो सकता है वो एंड्रॉयड 13 ही मिलेगा या फिर एंड्रॉयड 12 मिलेगा, एंड्रॉयड 14 तो मिलेगा नहीं। तो ये एंड्रॉयड 13 हो चुका है ये फ़ोन, तो आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एंड्रॉयड 13 होने के बाद भी इसमें जो One UI 5 का एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफ़ी हद तक बेस्ट है, जो कि आपको दूसरे फ़ोन के हिसाब से बोरिंग नहीं लगेगा कि 2023 में मैं न्यू फ़ोन अगर लेता तो न्यू फीचर्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। उससे भी बेस्ट फीचर्स अभी भी इस फ़ोन में अवेलेबल है और आपको ये फ़ीचर्स मिल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और अच्छी बात देखने के लिए मिल जाएगा, वो है IP68 रेटिंग, जिसको लेकर के कई सारे बंदे जब बाई करते हैं तो ये सोच लेते हैं कि भाई IP68 रेटिंग दिया गया है और पानी वाला जो सीन सब दिखाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पानी में डुबा करके छोड़ दिया तो पानी नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, IP68 रेटिंग का मतलब है कि आप रेन में फंस चुके हो या फिर आपके हाथ में पानी उनी लगा है या फिर आपके कपड़े भींगे हुए हैं और जेबी में रख लियो फ़ोन को, तो उस टाइम ये छोटे मोटे चीज़ को झेल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका मतलब ये है नहीं है दोस्तों कि आप मिस्टर इंडियन हैकर बन जाओ और इसको IP68 रेटिंग चेक करने के लिए पानी में डूबा हुआ छोड़ दो और फिर 2 घंटे बाद निकालो, तो ऐसे में आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो ऐसे बिल्कुल भी करने के ट्राई मत करना, तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहो, सावधान रहो। कोई भी डाउट हो आपको इस फ़ोन को लेकर के तो कमेंट में डायरेक्ट पूछ लेना मुझसे, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।